वेलकम टू माय शो। ये उड़ीसा में पंचायत चुनाव में क्या चमत्कार किया आपने? देखिए, वहाँ के नागरिकों ने, सामान्य लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया। पिछले लगभग 3 साल से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो कल्याणकारी सरकार चल रही है, सारे कार्यक्रमों पे उड़ीसा की जनता की भरोसा बढ़ी है। दूसरी ओर वहाँ की जो स्थानीय सरकार प्रदेश में चल रही है, उस सरकार के खिलाफ एक आक्रोश दिखने को मिला। ये आक्रोश धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन की ओर जा रहा है। यही दो प्रमुख कारण है पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा विजय की ओर ले गया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा उड़ीसा के नागरिकों का, और वहाँ की स्थानीय सरकार के खिलाफ एक अनास्था की भाव पंचायत चुनाव में प्रतिफलन हुआ। तो क्या चुनाव से पहले अंदाजा था कैसी जीत होगी? देखिए, जीत की अपने एक स्वरूप होती है, जीत की अपने एक स्वरूप होती है। एक कई दिनों से वहाँ के लोग एक नया राजनीतिक रास्ते को ढूंढ रहे थे, पंचायत चुनाव एक मौका दिया, और इस प्रकार की एक इंडिकेशन पहले से भी मिलना शुरू हुआ था। पिछले अगर 2-2.5 साल के अंदर जितने भी प्रकार की सर्वे और जिस प्रकार की एनालिसिस उड़ीसा के अंदर हुई थी, एक चीज़ हमें सब समय में एक रीअश्योरिंग होती थी हम लोगों के लिए, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी उड़ीसा में, भारत के अंदर अगर 1, 2, 3 राज्य गिना जाएगा तो 3 के अंदर होती थी। इसलिए ये इंडिकेशन तो पहले से ही था। और वहाँ एक स्टैग्नेंट सरकार है, एक फेल गवर्नमेंट चल रहा है, उसके खिलाफ जो बुनियादी सुविधा 17 साल के बाद उपलब्ध नहीं करवा पाना, ये तो जन आक्रोश दिख रहा था। इसी दोनों फैक्टर की जब क्लब हो जाएगी, एक बड़ा परिवर्तन होगी, ये एक अनुमान पहले से ही था। तो क्या लगता है, सरकार के काम काज पर जनादेश रेफरेंडम कहा जा सकता है छोटे चुनाव को? निश्चित रूप में कहा जाएगा। वहाँ की स्थानीय सरकार के खिलाफ जिस इलाका में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा विजय प्राप्त हुई है, ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है, उड़ीसा के सारे ट्राइबल बेल्ट, सारे गरीबी लोग जहाँ ज़्यादा रहते गरीब लोग, उस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा विजय हुई है। इसलिए इस प्रकार से उसको अगर हम समीक्षा करें, और ये डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ चुनाव, इसलिए सारा विषय कई चीज़ों को प्रमाणित करती है, कई चीज़ों को इंडिकेट करती है। और ये मैं हर एक चुनाव की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन रहता है, मैं उसको कहूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक बड़ी ताकत करके उभर रही है। आपकी जो एमर्जिंग पॉपुलैरिटी है उड़ीसा में, क्या लगता है इसको लेकर आपके चेहरे को सामने रख के पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरे पर? देखिए, लोकप्रियता तो माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मैं पहले भी मैंने आपको कहा था कि भरोसा सामान्य लोगों की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है। पार्टी की अध्यक्ष जी की रणनीति, रण कौशल्य, प्रधानमंत्री जी की दृष्टि को संगठन की ताकत पे नीचे ले जाने की जो अद्भुत क्षमता उसमें है, भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा इकाई के कार्यकर्ता, मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम लोगों की भूमिका गिलहरी की है। तो अगले चुनाव में उड़ीसा में किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? हालांकि थोड़ा अर्ली है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं लंबी। वहाँ के लोगों, नौजवानों की रोजगार की प्रसंग बनेगा। उड़ीसा में अपार संभावना है, उसको संभव तक ले जाना, यही उड़ीसा की रणनीति बनेगी। उड़ीसा की माँ बहनों की अर्थनैतिक सशक्तिकरण बढ़ाना, यही रणनीति बनेगी। उड़ीसा की स्वास्थ्य सेवा को ठीक करना, उड़ीसा की कृषि को ठीक करना, उड़ीसा में विशुद्ध पेयजल पहुँचाना, उड़ीसा की रास्ते को ठीक करना, उड़ीसा में अर्थनीति को विश्व बाजार के साथ जोड़ना, उड़ीसा की उद्योग धंधा बढ़ाना, उड़ीसा की खेतों में पानी पहुंचाना, यही आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी। इसी में हम लोग फोकस हैं। मुद्दों की बात आप कहते हैं, महानदी का क्या मुद्दा? लोग कहते हैं आप छत्तीसगढ़ को सपोर्ट करते हैं ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों की अधिकार महानदी पे है। महानदी के अंदर जितने पानी बहता है, उसको अगर हम सुनियंत्रित कर दे, उड़ीसा में सोना उगना शुरू हो जाएगा। अभी उसमें बहुत काम करना बाकी है। अपने अपने उड़ीसा की हमने एक विषय बड़ा नम्रता के साथ, महानदी की विवाद जब समाज के सामने आई थी, उसको हमने रखा था। मैं आश्वस्त हूँ, मैं आभार प्रकट करूँगा उड़ीसा की जनता को, उस बात पर उड़ीसा की जनता ने भरोसा किया। लोकसभा में महानदी की पानी के ऊपर चर्चा हुई थी,
वहाँ की स्थानीय सरकार ने एक घड़ियाली आंसू बहाने के काम किया है महानदी की मुद्दे पे, वो उसमें अगर सच में कमिटेड होते तो संविधानिक प्रक्रिया में वो शामिल होते, उसमें ना आके उन्होंने राजनीति किया, लोगों ने उसको जवाब दिया। हमने एक विषय कहा था लोकसभा के अंदर, हमारे आदरणीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी ने बार बार उस विषय को कहा है, जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और उमा भारती जल संसाधन मंत्री है, जगन्नाथ की देश उड़ीसा में महानदी के पानी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मैं उड़ीसा की जनता को पुनः आभार प्रकट करूंगा, उस बात पे उन्होंने भरोसा किया और महानदी की सारे पट्टी पे जहां जहां महानदी बह के जाती है, भारतीय जनता पार्टी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद अच्छे मतों में वोट वहां मिली है उसको। तो मंत्रालय जो आपका है पेट्रोलियम मंत्रालय, इसको कॉरपोरेट का मंत्रालय कहा जाता था, आपने इसको गरीब का मंत्रालय बना दिया, ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन? देखिए, आपको मैं पुनः एक विषय याद दिलाऊं, इस सरकार के कुछ मूल सिद्धांत है। जब प्रधानमंत्री पहली बार चुन के आए और लोकसभा की सेंट्रल हॉल में हम लोगों ने उनको अपने नेता चुना, उन्होंने पहला भाषण में कहा था कि मेरे सरकार देश के गरीबों के लिए समर्पित है। तो स्वाभाविक इसी मंत्र से जब सारे विभाग काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी की दोहरी रणनीति है, व्यवसाय बढ़ना चाहिए, पारदर्शी नीति के आधार पर बढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक मूवमेंट होनी चाहिए और उससे जो लाभांश आएगी गरीब की जेब में जानी चाहिए, गरीब को खैरात के रूप में नहीं, गरीब की सशक्तिकरण पे उसको खर्चा किया जाए, उसकी हक उसको दिलवाया जाए जो अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा। इसलिए इसी दोहरी रणनीति के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जैसे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, उस दिशा में काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम मिनिस्टर के नाते क्या रहा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अगर एक ही विषय में कहूँ, मैं पिछले लगभग 34 महीना हम लोगों ने जिम्मेवारी को पूरा किए हैं, 3 साल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको अगर एक ही उदाहरण दूँ कि हमारी विभाग में कई बहुआयामी जिम्मेवारी है, देश की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में चिंता करना है, देश की एनर्जी अफोर्डेबिलिटी के बारे में चिंता करना है, सस्ते दर में एनर्जी मिलते रहे, ईंधन मिलते रहे, निरंतर मिलते रहें और लंबे समय तक मिलते रहें, ये जिम्मेवारी हम लोगों के पास है। लेकिन अगर उसको मैं व्यवहारिकता से उसकी अप्लाइड पार्ट में दिखता हूँ, घरेलू ईंधन पहुँचाना ये हम लोगों के पास, रोशई तक ईंधन पहुँचाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग जब कामकाज संभाले 14 करोड़ लोगों के घर में, परिवारों के घर में LPG पहुँची थी और मैं आज 34 महीने के बाद कहूँ ये संख्या जल्द ही 20 करोड़ हो जाएगी। आज की संख्या, आज की तिथि में 19 करोड़ 90 लाख, आज की स्पीड में हम प्रतिदिन 1 लाख नया कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो आने वाले 10 दिन के बाद ये 6 करोड़ नया जुड़ जाएगी। 1955 से LPG की कारोबार भारत में शुरू हुई, 1955 से 2014 अगर हम हिसाब करें ये 60 साल होती है, 60 साल में 14 करोड़ LPG कनेक्शन लगी थी, मोदी जी के नेतृत्व में 34 महीने में 6 करोड़ नया LPG कनेक्शन लगी। ये मोदी जी की काम करने की तरीका है, उनकी विभागों की, उनकी दृष्टि को क्रियान्वयन करने में ये हमारी तरीका है। मेरे लिए ये आत्मसंतोष की विषय है, आज भारत की गरीब महिलाओं को लगा है ये सरकार हमारी है, हमारी जिंदगी के लिए काम कर रही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। ये जो भरोसा इस कार्यक्रम के माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमको एक जन आशीर्वाद के नाम पे मिली है, उसमें जो महिलाओं के मन में, गरीब महिलाओं की आंखों में जो हम चमक दिख रहे हैं, यह सबसे आत्मसंतोष की विषय हमारे लिए बनती है। तो ये उज्ज्वला का आइडिया दिया किसने आपको, आइडिया कहाँ से लाए? ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप में कहा है कि मैं उस गरीबी को झेला हूँ, मेरे माँ की आंख को जलते हुए मैंने देखा है, जो व्यक्ति जिसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन माँज के अपना परिवार चलाया था, जिसके पिताजी बाजार में चाय बेच के अपना परिवार चलाया था, जो व्यक्ति अपनी ही जिंदगी में ऐसे ही पृष्ठभूमि से कामकाज शुरू करके
आगे किया था, जो आज प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, जो गरीबी से उठ के आए हैं, वो जानते हैं गरीबी क्या है। ऐसे व्यक्ति जब बड़े कामकाज संभालेंगे, स्वाभाविक कल्याणकारी योजनाएं बनेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उसकी एक सर्वश्रेष्ठ उपज है। तो अगले 3 साल के लिए मंत्रालय का क्या रोड मैप है डेवलपमेंट का? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने विश्व की फोरम पे एक विषय कहा है कि हमारे देश में एनर्जी जस्टिस की आवश्यकता है, ऊर्जा न्याय हम सबको देना चाहते हैं। अगर इस देश को सच में अपने पैर पे खड़ा करवाना है, देश की अंदर एक नया अर्थनीतिक संरचना करना है, तो हमें सबसे पहले अपना एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेसिबिलिटी, एनर्जी अफोर्डेबिलिटी ऊपर जोर देना चाहिए। देश की उत्पादन बढ़ाना है, देश में पारदर्शी नीतियाँ लाना है, देश में निवेश बढ़ाना है, वैश्विक बाजार में भारत की उपस्थिति को और मजबूती से रखना है, देश को एक स्वच्छ ईंधन की क्लीन फ्यूल की ओर ले जाना है। ये सारे प्रायोरिटी के अंदर मिनिस्ट्री तेजी से, मूलतः जो एक फिलोसफी हम लोगों के पास है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार के हस्तक्षेप कम रहे, पारदर्शी नीति रहे, सरकार की तिजोरी सुरक्षित रहे, सरकार की आमदनी सुरक्षित रहे, रेवेन्यू कलेक्शन सुरक्षित रहे, लेकिन नीति स्पष्टता के कारण निवेश आए और सामान्य लोगों को कॉम्पिटेटिव बाजार में सस्ते दर पे ईंधन मिले, ये इस सरकार की प्रायोरिटी की विषय है। राजस्थान के लोगों के लिए आपने एक बड़ा काम कर दिया रिफाइनरी का, कब इसको आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, वो तो काम शुरू हो गया। मैं धन्यवाद दिया राजस्थान की स्थापना दिवस की अंदर, पिछले कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के हितों को अनदेखा किया था, वहाँ की अशोक गहलोत साहब की सरकार और यहाँ माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये तो जल्दबाजी में सिर्फ चुनाव के दिनों में एक झुंझुना पकड़ा दिया था राजस्थान को। 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया देना पड़ता राजस्थान को अगर पुराने समझौते के ऊपर हम जाते। बीच बीच में मेरे कान पे खबर आती थी, मैं बयान दिखता था कांग्रेसी मित्रों का, कहाँ गया रिफाइनरी? क्या राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई को हम लूट लेते? जिस तरीके से पिछले सरकार ने एक समझौता किया था, राजस्थान की गरीब जनता की अनर्थ हो जाता। वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने हमें, हमारे सामने उस विषय को रखा कि मेरे राजस्थान के साथ जल्दबाजी किया गया है, अनदेखा किया गया है। हमने उसी कैपेसिटी की, उसी कंपनी के अंदर नया समझौता किया, जिसमें से सालाना पुराने समझौते में 3,500 से 3,500 करोड़ रुपया तक देना पड़ता, अभी के नया समझौता में 1,100 करोड़ रुपया में हो जाएगा। ये फर्क है और हमने वो करके दिखाया है। चंद दिनों में उसकी कामकाज भी बाड़मेर की रिफाइनरी की शुरू कर देंगे। क्या कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं राजस्थान में, जोधपुर में, जयपुर में? वहाँ की राजस्थान सरकार की यही अपेक्षा है। हम लोग उसको एक सार्वजनिक रूप में बड़ा भव्यता के साथ वहाँ कामकाज शुरू करें, राजस्थान में निवेश की वातावरण फिर एक बार पुनः प्रतिष्ठा, उस काम पे हम लगेंगे। 2-3 साल से मैडम आपसे लगातार मिल रही थी, संघर्ष कर रही थी। हाउ यू रेट वसुंधरा राजे एज द चीफ मिनिस्टर? देखिए, इसी का तो ये नतीजा है। एक मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान के अपने ही छोटे से हितों के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए, अपनी प्रदेश की जनता जो उनको चुना था, उन्होंने राजस्थान की, मैं चुनाव जीतूं राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर, राजस्थान की जनता के ऊपर बोझ बढ़ जाए, कोई परवाह नहीं था। दूसरी एक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पे आई, जिन्होंने आलोचना थोड़े दिन संभाली। लोग उनको कहें कहाँ गया रिफाइनरी, उनको क्या मालूम था कि वसुंधरा राजे जी की दृष्टि क्या है। प्रधानमंत्री जी के सामने उसको विषय को रखा गया, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि देखो, राजस्थान के हितों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसको भारत सरकार की कंपनी के हितों को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, लेकिन राजस्थान के हितों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसी का नाम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज वसुंधरा जी ने उसको सफलता के साथ भारत सरकार के सामने इस विषय को रखा, भारत सरकार ने 2 कदम आगे गया, दोनों ने मिलकर आज हम उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। उसमें वसुंधरा राजे जी की दूरदृष्टि, वसुंधरा राजे जी की निर्णय शक्ति को मैं आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड के आप प्रभारी थे, बहुत ज़बरदस्त बहुमत से चुनाव जिताया आपने, ये कैसे करते हैं? आप मंत्रालय में भी इतना काम करते हैं, 100% पॉलिटिक्स भी करते हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं इसका? देखिए, कोई बीजेपी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी, में एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उसमें मेरे कारण वहाँ कुछ नहीं हुआ है। मैं छोटी सी गिलहरी हूँ। लाखों कार्यकर्ता उस यज्ञ पे लगे थे, सबने मेहनत किया
और उस प्रदेश की जनता को मैं आभार प्रकट करता हूं जो कांग्रेस लंबे समय तक इस देश को गुमराह किया है, देश की नौजवानों की हितों को अनदेखा किया है, देश की माँ बहनों की जिंदगी को खराब किया है। उस कांग्रेस के खिलाफ देश में एक नाराजगी है। पिछले उत्तराखंड की सरकार सरगनाओं की सरकार था, भ्रष्टाचार की बोलबाला चरम पे था। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस अविश्वास अविश्वसनीयता के खिलाफ उस प्रदेश की जनता की प्रचंड आक्रोश था। हम लोगों ने उसमें थोड़ा चिंगारी लगाया, हम लोगों ने थोड़ा उसमें से धक्का दिया। और जब आप जानते हैं हिमालय से जब पत्थर गिरता है तो कहाँ पहुँचता है किसको क्या पता। इस बार उत्तराखंड की जनता ने पूरा गंगा जी में कांग्रेस को बहा दिया। तो 8-10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें चुनाव नहीं कराना क्या हरीश रावत की स्ट्रेटेजिक भूल थी, क्या लगता है आपको? नहीं, तब भी चुनाव करते। देखो, उन्हीं की पार्टी में तो विद्रोह हुआ था, कोई बाहर से तो लोग विद्रोह नहीं किए थे, बहुमत तो उनके साथ था। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गए। तो हमें एक विपक्ष के नाते हमारी सही भूमिका थी कि भाई हम इस सरकार को अपदस्थ करें, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ करके उस समय पे बच गए। लेकिन कुछ भी होता, कोर्ट की जजमेंट के समय में वो चुनाव करते, उस समय में पहली बार जब उनके ऊपर अनस्त आई तब भी चुनाव करते, और अभी भी जो चुनाव हुआ नतीजा वही होता। ये जो ईवीएम मशीनों के बारे में कहते हैं कि गड़बड़ है, कुछ ऐसा चर्चा? देखिए, कांग्रेस पार्टी और विशेष करके उत्तर प्रदेश में सपा और बहन जी की पार्टी अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रही है। ये तो देश की व्यवस्थाओं के खिलाफ ये लोग पहुंच गए हैं। भाई, चुनाव में हम भी चुनाव हारे हैं, आप भी अभी पंजाब में चुनाव जीते हो, सत्य को स्वीकार करने में आपको इतने कष्ट क्यों हो रहा है? प्रजातंत्र में जीत हार लगे रहता है। आप जीतो तो ईवीएम ठीक है, आप हारो तो ईवीएम में गड़बड़ी है। यूपी में जो इतना प्रचंड बहुमत आया है, इसका एक लाइन का मैसेज क्या है इस चुनाव का? देश की नागरिकों का प्रधानमंत्री जी के ऊपर बढ़ती हुई भरोसा। देश आगे बढ़ना चाहता है, देश बदलना चाहता है, देश नया बनना चाहता है, उस पर एक सारथी ढूंढते हैं, उसमें एक सिंबल ढूंढते हैं। देश कभी विवेकानंद की बात पे झूमा था, देश कभी महात्मा गांधी जी की बात पे झूमा था, देश कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल पे नाच किया था, देश कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे भरोसा किया था, देश कभी रानी लक्ष्मीबाई झांसी को आज भी आदर्श मानती है। देश में एक आदर्श को लोग मानते हैं। आज हम आज सौभाग्यशाली है, ऐसे एक व्यक्ति हमारे देश की सत्ता की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में है जो कहते हैं कि मैं देश की प्रधान सेवक हूँ। देश की राजनीति जगदीश जी बदल रहा है, देश की सामान्य लोग सूचना के तंत्र में देश की रोजमर्रे की घटना को अपने हाथों में देख रहे हैं, अपने मोबाइल फोन के अंदर देख रहे हैं। ये बदलते हुई परिस्थिति में उत्तर प्रदेश हो या देश की किसी भी जगह पे चुनाव के जो नतीजा आई है उसकी एक ही विषय है, बदलते हुई परिस्थिति में नए राजनीति इमर्ज कर रही है, उभर रही है। एक बात बताइए, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों का इतना भरोसा कैसे है आप पे? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरे नेतृत्व ने मेरे को भरोसा करके कुछ काम दिया है। मैं मेरे जितना बुद्धि विवेक है मैं ईमानदारी के साथ काम करने का कोशिश कर रहा हूँ, और प्रभु की मेरे वहाँ की लोगों की मेरे ऊपर आस्था विश्वास है। इसी जन आशीर्वाद के साथ, मेरे नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं आगे काम कर रहा हूँ। और एक आखिरी सवाल, एक दो, आपकी पार्टी में एक मिस्ट्री है, रहस्य, उसका नाम है अमित शाह। एक व्यक्ति गुजरात से चलता है, कभी झारखंड जाता है, महाराष्ट्र जाता है, हरियाणा जाता है, अब वाराणसी जाके बैठ गए और चुनाव को इतने ज़बरदस्त ढंग से जीता, तो क्या मिस्ट्री है, क्या केमिस्ट्री है, क्या मैकेनिज्म है उनका ये? अमित भाई एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, श्रेष्ठ रणनीतिकार है, और आज प्रधानमंत्री जी की दृष्टि को, प्रधानमंत्री जी की कौशल्य को, प्रधानमंत्री जी की रणनीति को एक प्रमुख सेनापति के नाते मूल विचार पे विश्वास अटिक रखते हुए, भारत की परंपरा पे मूल उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो व्यूहरचना किया है उसी की नतीजा एक विश्वसनीयता पार्टी की विचार पे बढ़ी है, पार्टी की संगठन के कारण बढ़ी है,
और स्वाभाविक उसकी जो रणनीतिकार रहते हैं, जिसकी जो सूत्रधार रहते हैं, उनको तो चर्चा में रहते हैं। आज ऐसे ही हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। आमतौर पर जो चुनाव होता है तो उससे 6-8 महीने पहले लोग एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अमित शाह तो पूरे 5 साल चुनाव ही लड़ते रहते हैं, ये कैसे? देखो, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहना सबको पड़ता है और सबके अपना अपना काम करने की तरीका है, यही तो विशेषता है अमित जी की। इतना मेटिकुलस प्लानिंग मॉनिटरिंग, यही उनका गुण है। कोई भी चीज़ बड़ा युद्ध जीता जाता है बिना संरचना के, बिना व्यूहरचना के, बिना रणनीति को तो नहीं जीता जाता है ना। ये रणनीति, व्यूहरचना, मेहनत, ये थोड़ी ना कागजी चीज़ है या भाषण की चीज़ है, ये निभाने की चीज़ है, करने की चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करने की चीज़ है जो वो करते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि उड़ीसा के निर्माण के लिए, उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को राजनीतिक मतभेद भुलाकर ज्वाइन हैंड्स करना चाहिए और उड़ीसा और एक नए उड़ीसा के निर्माण के लिए आगे बढ़ना चाहिए पॉलिटिकल लाइंस के साथ? बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कई बार इस विषय पे कहे हैं और मैंने प्रधानमंत्री जी, मैंने जो सब हिसाब दिया आपको उड़ीसा के विकास के बारे में, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के कोई MP नहीं जीत के आए थे, 1 MP जीत के आए थे, 10 विधायक बंधु हमारे उस प्रदेश में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी तो अनदेखा नहीं किया है उड़ीसा के हितों को। जो हमारी प्रतिपक्ष के शासन में जो इलाका है उसमें से भी तो कभी हमने अनदेखा नहीं किया। इसलिए प्रधानमंत्री की जो वचन है सबके साथ सबकी विकास, इसमें हम उसमें विश्वासी हैं। इसीलिए हमने कई बार उड़ीसा सरकार के लिए कहा है कि आप 1 कदम चलो, भारत सरकार आपके साथ 2 कदम आगे जाएगी। वाह, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।